हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के होने वाले रॉयल रंबल पेपरव्यू के प्रेडिक्शंस के बारे में। दोस्तों, फाइनली कल होने वाला है रॉयल रंबल पेपरव्यू और इस शानदार पेपरव्यू में हमें काफी मजा आने वाला है। काफी सारे जबरदस्त मैचेस, शॉकिंग मूवमेंट एंड सरप्राइजेस हमें देखने मिलेंगे इस शानदार पेपरव्यू में। तो क्या कुछ होगा इस पेपरव्यू में, कौन से सरप्राइजेस निकल के आते हैं, कौन होते हैं विनर्स, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट हम आपको बता देते हैं द टाइम एंड चैनल जहां पर रॉयल रंबल आएगा। दोस्तों, इंडिया में कल सुबह होने वाला है रॉयल रंबल और टाइमिंग होगा 5:30 AM को हमें देखने मिलेगा प्री शो और 6:30 AM को देखने मिलेगा हमें मेन शो। और जिन चैनल पर रॉयल रंबल आएगा वो हो गए Sony 10-1 और Sony 10-3। Sony 10-1 आप देख सकते हैं इंग्लिश में एंड Sony 10-3 आप देख सकते हैं हिंदी के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेडिक्शंस। फर्स्ट मैच इज फॉर रॉ विमेंस चैंपियनशिप, बेकी लिंच वर्सेस ड्रू ड्रॉप। अभी जैसे रेसलमेनिया नजदीक आ रहा है, वैसे बेकी लिंच का रोल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है WWE में। एंड WWE को बेकी लिंच की एक बहुत बड़ी मैच रखनी है रेसलमेनिया, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है ड्रू ड्रॉप को हराना बेकी लिंच को और जीतना रॉ विमेंस चैंपियनशिप। तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है बेकी लिंच। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर रॉ विमेंस चैंपियन बेकी लिंच। नेक्स्ट मैन इज 30 विमेन रॉयल रंबल मैच। दोस्तों, ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस मैच में हमें देखने मिलेंगे काफी सारे सरप्राइजेस। नए नाम भी आएंगे, कुछ NXT के विमेन भी आएंगे एंड इवन विमेन लेजेंड्स भी आने वाले हैं इस शानदार मैच में। और दोस्तों, इस विमेन्स रॉयल रंबल मैच में दो बहुत बड़े नाम आने वाले हैं और उनमें से पहला नाम है पेज का। आपको पता ही होगा कि बैक इन 2017 पेज को नेक इंजरी हुई थी और उसके बाद उनका जो करियर है वो ख़त्म हो गया था। बट अभी रिसेंटली न्यूज़ मिली है कि पेज को क्लियर कर दिया गया है टू रिटर्न टू द रिंग। तो इसके बेसिस पर पेज आ सकती है रॉयल रंबल मैच में। और जो दूसरी बड़ी नाम इस रॉयल रंबल मैच में होंगी वो हो सकती है द राउडी रोंडा राउजी। रेसलमेनिया 35 के बाद रोंडा राउजी हमें अब देखने मिल सकती है रॉयल रंबल मैच में और उनके रेसलमेनिया में काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। तो यहाँ पर रोंडा राउजी नंबर 1 पर है बैटिंग ऑड्स में टू विन दिस मैच। WWE प्लान कर रहे हैं बेकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी के मैच एट रेसलमेनिया फॉर रॉ विमेंस चैंपियनशिप। तो यहाँ पर सेंस बनता है कि रोंडा राउजी ही ये मैच जीतेगी, क्योंकि अगर रोंडा राउजी आती है WWE में तो ही ये विमेंस डिवीजन है वो जिंदा रह सकता है, अदरवाइज ये एकदम लैकलस्टर है। तो यहाँ पर रोंडा राउजी के स्टार पावर का काफ़ी ज़रूरत है WWE को और वो हमें देखने मिल सकती है इस रॉयल रंबल पेपरव्यू में। तो रोंडा राउजी आएंगी और ये मैच जीतेंगी मेरे हिसाब से। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर द राउडी रोंडा राउजी। नेक्स्ट मैच इज अ मिक्स्ड टैग टीम मैच, एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस मेज एंड मरीज। दोस्तों, इस मैच में भी विनर पिक करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एज एंड बेथ फिनिक्स की टीम जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग लग रही है एज कम्पेयर टू मेज एंड मरीज। एंड मे बी बेथ फिनिक्स के इसके बाद भी सिंगल्स पुश के प्लान हो सकते हैं जैसे कि उनके हस्बैंड एज के थे आफ्टर इस रॉयल रंबल मैच। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विनर पिक करना काफ़ी आसान होगा और वो होंगे एज एंड बेथ फिनिक्स। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एज एंड बेथ फिनिक्स। नेक्स्ट मैच इज 30 मैन रॉयल रंबल मैच। अब दोस्तों, ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए क्योंकि इस मैच में भी हमें देखने मिल सकते हैं शानदार सरप्राइजेस एंड इसका विनर जो है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस मैच के विनर के लिए, पर एक बात है कि ये जो मैच है वो शो स्टीलर होने वाला है एंड इसका विनर भी कल रात के ही बैटिंग ऑड्स के मुताबिक जो टॉप पर है, जो फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और फिर सेकेंड नंबर पर है AJ स्टाइल्स। अगर दोस्तों ब्रॉक लेसनर ये रॉयल रंबल मैच नहीं जीतते हैं तो मेरे हिसाब से AJ स्टाइल्स परफेक्ट पर्सन है ये मैच जीतने के लिए। उसके बाद बिगी का नंबर आता है, बट मैं बिगी को ज़रा भी देखना नहीं चाहता ये मैच जीतते हुए। तो मुझे लगता नहीं है कि बिगी ये मैच जीत सकते हैं। तो दो पिक जो मेरे हैं वो है ब्रॉक लेसनर या फिर AJ स्टाइल्स। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर ब्रॉक लेसनर और AJ स्टाइल्स। नेक्स्ट मैच इज फॉर WWE चैंपियनशिप, अ ड्रीम मैच ऑफ बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर। दोस्तों,
इस मैच के लिए हम बचपन से वेट कर रहे हैं। जब से बॉबी लैशली WWE में आए थे 2005 और 2006, तब से लेकर वो ड्रीम कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर से ये मैच होने के लिए। एंड अब 2022 में फाइनली हमें ये मैच देखने मिलने वाली है एट रॉयल रंबल। ये दोनों सुपर एथलीट जो है वो काफ़ी बैड एस है। अगर ब्रॉक ने UFC में नाम कमाया है तो लैशली ने MMA एंड बेलेटर में। लैशली उतने ही डोमिनेटिंग है जितने ब्रॉक लेसनर है। एंड अब जाके ब्रॉक लेसनर को काफ़ी टक्कर का ओपोनेंट मिला है जो कि MMA बैकग्राउंड रखता है। इस राइवलरी में भले ही ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को काफ़ी हल्के में लिया है, बट मेरे हिसाब से इस मैच की बुकिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है कि बॉबी लैशली को काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाया जा सकता है। एंड ऐसा दिखाया जा सकता है कि ब्रॉक ने गलती की है बॉबी लैशली को लाइटली लेकर। अब दोस्तों इस मैच के रिजल्ट में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको पता है कि 30 मैच रॉयल रंबल मैच में जो नंबर 1 पोजीशन पर है बैटिंग ऑड्स में वो है ब्रॉक लेसनर, और इस मैच में भी जो फेवरेट है मैच जीतने के लिए वो है ब्रॉक लेसनर। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE क्या ट्विस्ट पुल करती है, क्या ये मैच में बॉबी लैशली को जिताते हैं या फिर ब्रॉक लेसनर को। मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत सकते हैं somehow और some way. So according to the rumors and betting odds, I pick the winner and still your WWE champion, the beast incarnate Brock Lesnar. और ये मैच 4 चांद लगा देगा pay-per-view को, ये बात लिख के ले लो। And दोस्तों another big match is for Universal Championship between Roman Reigns and Seth Rollins. इस rivalry में mind games काफी खेले गए हैं and Shield के days को भी काफी लाया गया है यहाँ पर। And shockingly John Moxley का भी नाम इसमें लाया गया है काफी बार। एंड सेथ रॉलिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हैं। एंड आज के स्मैकडाउन में तो सेथ रॉलिंस ने डक भी कर लिया रोमन रेंस का सुपरमैन पंच। तो यहाँ पर WWE कुछ ऐसे दिखाना चाह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को काफ़ी अच्छी तरीके से रीड कर चुके हैं एंड सेथ रॉलिंस एबिलिटी रखते हैं रोमन रेंस को बीट करने के लिए। पर दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि सेथ रॉलिंस ये जो कैरेक्टर है वो बीट करेगा रोमन रेंस को, क्योंकि सेथ रॉलिंस का अभी कैरेक्टर जो है वो काफ़ी वीक है। क्योंकि 2-3 साल पहले सेथ रॉलिंस का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि बीट कर सकता था ब्रॉक लेसनर को भी। बट अभी जो उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी स्टूपिडिश एंड फनी लग रहा है। दैट इज़ इम्पॉसिबल टू बीट रोमन रेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि रोमन रेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रहे हैं एंड रोमन रेंस ने काफ़ी लोगों को हराया भी है। मैच तो काफ़ी अच्छी होगी, बट मुझे लगता है कि रोमन रेंस यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर लेंगे। और आपको पता ही है कि उसोस बैंड है फ्रॉम द रिंग साइड, तो रोमन रेंस को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा जीतने का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैच जीत सकते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स एंड बेटिंग ऑड्स, आई पिक द विनर एंड स्टिल योर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। तो दोस्तों ये था रेसलिंग बादशाह का प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज़ रॉयल रंबल। ये पेपरव्यू काफी शानदार होगा, तो आप सभी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए रॉयल रंबल पेपरव्यू के लिए एंड रेसलिंग बादशाह के वीडियो के लिए भी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आप कितने एक्साइटेड हैं कल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए, सेकंड आपके विनर्स की लिस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थर्ड इस पूरे मैच कार्ड में से आपकी फेवरेट मैच कौन सी है। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।